मिल गई आप लोगों को तसल्ली, सैटिस्फाइड? सॉरी भाभी जी, लेकिन हप्पू की वजह से गलत फहमी हो गई थी। हमारी वजह से काय? मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हप्पू के अंदाजे हमेशा सही निकलते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे झूठ निकल आया। कमिश्नर साहब, हमें लगता है ये हप्पू पगला गया है, आप इसे किसी मेंटल अस्पताल में भर्ती कराइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तिवारी ज्यादा। अरे दरोगा जी, आप कहे चिड़ रहे हैं, हम कुत्ते की बात कर रहे हैं। तो ठीक है ना, बार बार ससुर हप्पू बोलना जरूरी है का? सब समझ रहे हैं ना कबे की बात हो रही है। बस हप्पू, अब ज्यादा भोको मत, हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द RDX ढूंढना है। हप्पू, हप्पू। हाँ 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 साहब। इस बार मैं कुत्ते से नहीं तुमसे कह रहा हूँ, चलो। कुत्ता। थैंक गॉड बच गए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। जी गए वो तो गए, लेकिन आप वो बैग का किए? भाभी जी डोंट वरी, बैग मैंने ठिकाने लगा दिया। वेरी गुड विभू, वेरी स्मार्ट, आज तुमने अपनी अकल का सही इस्तेमाल किया है। सॉरी, अकल का इस्तेमाल ही पहली बार किया है भाभी जी। अकल है इसलिए इस्तेमाल किया है, आपके पास तो अकल ही नहीं है, घुइयां इस्तेमाल करेंगे आप? शट अप। भैया भैया, अरे विभूति भैया, अरे भैया, आपने इस बैग को झाड़ियों में फेंक दिया था, वापस ले आया हूँ मैं, ले लीजिए। आई लाइक इट। सक्सेना जी, आप ये बैग क्यों ले आए? भैया पहले ये बताइए कि आपने इसको झाड़ियों में फेंका क्यों था और इसमें है क्या? बैग में फालतू के पुराने कपड़े हैं। सक्सेना जी, आप क्यों लेकर आ गए? हाँ, उसको वहीं सुनसान जगह जाकर छोड़ आइए। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं, देखिए अगर इसमें फालतू के पुराने कपड़े हैं तो गरीबों में दान कीजिए ना, किसी गरीब की दुआ लगेगी आपको। हैं? Wrong? No? God. Oh God. Shit. अरे चलो अंदर यार। कहाँ छोड़ के आए थे आप इस RDX को? हाँ? Actually, वो झागरेटी आगे जो झाड़ियाँ हैं ना, मैं वहाँ छुपा आया था इसको। सेना ने कैसे देख लिया समझ नहीं आया मुझे। अरे तो इतनी आसपास छुपाने की क्या जरूरत थी, कहीं दूर जाकर नहीं छुपा सकते थे? आपने जबान हिला दी अपनी दो टके की, दूर जाकर नहीं छुपा सकते थे? बात पुलिस देखी है आपने? पुलिस घूम रही है और साथ में उसने पर डॉग्स भी है, पूरा शहर सूंघ रहे हैं वो कुत्ते। क्या बोल रहे हैं? हमारे दिमाग में ना एक ठो इडियट है। जो इडियट आपके दिमाग में वो ये है, आप आइडिया की बात कर रही होंगी। सही पकड़े हैं। अब बोले का? बोलो। बोलिए बोलिए। हाँ तो हम कहा बोल रहे हैं, ये जो RDX है ना, इसको अपने घर में ही जला देते हैं। भाभी जी से ऐसे ही बोडम आइडिया की उम्मीद थी। अंगूरी, तुम्हें अपने बोडम पने के आइडियाज ना ये अपने पास ही रखो, समझी? जी रहने दीजिए ना, देखिए कितनी मासूम है, कितनी प्यारी। ऑफ कोर्स कितनी मासूम है, कितनी कितनी भोली है भाभी जी, कितनी इनोसेंट है, कितनी नाइव है। मैं यही बात बोल रही हूँ ना विभू, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो, हमेशा बीच में कूद जाते हो। अब बोलूं मैं कुछ? तुम ही तो बोलती हो हमेशा, बोलो ना। इतनी इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ। अच्छा सुनिए ध्यान से, क्या करना है इस RDX का, क्या करना है सोचिए। ले आया लिटिल डॉग। अबे ये देख क्या है। अरे वाह वाह वाह, तूने देर का लगा दी लेकिन। अबे तूने तो कहा था कि इतनी खूबसूरत लेडी डॉग होनी चाहिए जिसको देखकर हप्पू का मन डोल जाए, और तुझे पता है इसको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुझे पता है ये कहाँ मिली? कहाँ? वो कामिनी है ना, क्लब डांसर,
उसके क्लब से लाया हूँ। और देख देख, ये लगती भी बिल्कुल काम ही नहीं जैसी है। अदाई भी वैसी है इसकी। हाँ। सुन, इसको अप्पू के पीछे लगा दे। वो अप्पू कुत्ता है कहाँ? पहले तो पुलिस उसे नहीं घूम रही थी, लेकिन अभी छोड़ रखा है उसको, यू नो, यही कछुआ भेड़ा झाड़ियों के पीछे। अप्पू, अप्पू, अप्पू बॉय, तू खुश या? बेटा आया है लाइफ में तो कुछ इंजॉय कर। हाँ आजा आजा, चले के जा इसको। हाँ आजा आजा, मुझे को 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 ये लड्डू के भैया आए कहाँ हैं? ना आए अभी तक, कहाँ रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरडीएक्स ठिकाने लगाते वक्त फट गया हो? लड्डू की भैया के धज्जियां उड़ गई हूँ। हदिया, कहाँ बोल रही, कहाँ बोल रही? तू कैसी बातें करते हो? ऐसी मनहूस बातें बोलते हैं किसी के लिए? मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ बेबी? हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है यार, और लड्डू के भैया तो वैसे ही एक्सीडेंट प्रोन है। लेकिन हमारे साथ ऐसे हादसे कभी नहीं हो सकते। आप जैसे कमीनों को तो भगवान ही डरता है बुलाने से अपने पास। लड्डू के भैया आप फटे तो नहीं हमरे मत बोले, आप ठीक तो हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तिवारी जी, पहले आप ये बताइए कि वो बैग आपने कहीं दूर फेंका है ना, लोगों की पहुंच से दूर, किसी को कोई खतरा तो नहीं है ना? जी भाभी जी, ऐसी जगह फेंक कर आए जहाँ इंसान तो क्या, कानी चिड़िया भी नहीं पहुंच सकती। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया ये बैग हमने तुम्हारे हाथ में देखा है तो? और भैया जी, बाद में ये बैग ना हमें जंगल में मिला पड़ो बहु, इसलिए हम उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है तिवारी जी, काणी चिड़िया भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन काले कौवे पहुंच गए। कमाल है भैया, एक तो हम आपका बैग ढूंढकर लेकर आ रहे हैं, ऊपर से इनाम देने की बजाय हमको मार रहे हो। तू कर मेरे मन को किया तूने। क्या पॉजिटिव बॉयज हैं यार, क्या पॉजिटिव बॉयज हैं। हैट्स ऑफ टू हम। अभी क्या करें अब इसका? बस अब बहुत हो गया, अब ये बैग जाएगा पुलिस के पास। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? वो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ये बैग को अब पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए। लेकिन पुलिस के पास जाएगा कौन बैग लेके? जाहिर सी बात है, आप दोनों तो बहुत डरपोक हैं, आप तो लेकर जाएंगे ही नहीं। एक्चुअली कमिश्नर साहब, आपको एक बात बतानी थी। हाँ हाँ कहिए। लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? यही कि इस बात को जानने के बाद आप मुझे और विभू को इस मामले में नहीं घसीटेंगे। हाँ, और हमको लड्डू के भैया को भी कुछ ना ही कहेंगे। बताइए तो सही, बात क्या है? एक्चुअली कमिश्नर साहब, बात यह है कि जिस आरडीएक्स की आपको तलाश है वो हमारे पास है। हदिया कमिश्नर साहब, बाहर आइए, डरिए ना ही, कुछ ना ही होगा आपको। हमरा बात तो सुनिए, बात सुनिए हमरा। उका है ना कि हमरे घर एक ठो आतंकवादी आया था, वो ई बैग छोड़ कर गया था, और ऊना हमरे घर क्लिंटन बनकर आया था। क्लिंटन? क्लिंटन? मोनिका जी भी आई थी? नहीं, एक्चुअली वो क्लिंटन नहीं, क्लाइंट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। कमिश्नर साहब प्लीज, हमारा यकीन कीजिए, हमें हमें फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।